इसका तुम वीडियो देख लोगे फिर भी इसका डाल नहीं बनेगा। अरे यार यूपी वाले जो है ना अभी रोटी सेक लिया है और इसका चिकन मैं दिखाता हूँ, यूपी का चिकन ऐसा बनता है, यूपी वाले का चिकन है, बस चिकन डालो नमक डालो बस उबाल के खा लो। यार मैं पानी खरीद के पीना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि इतना छोटा रूम में एक दस बंदे क्यों रहते हैं? क्या बोला तुमने? आज पकेगा, पिछली बार तुमने 3 घंटे चढ़ाए थे डाल 3 घंटे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सऊदी अरब का अपना रूम का इंटरव्यू कराते हैं, चले देखते हैं हमारे रूम में क्या है क्या नहीं है, कैसे हम लोग जीते हैं, कैसे लोग रहते हैं, बने रहिए आगे तक। ये हुई हमारा किचन रूम जो यहाँ पे 2 इंडियंस और एक केरला वाला है, नहीं सॉरी वो उगेंडा है, सॉरी साउथ अफ्रीकन है, केनिया का है, केनिया साउथ अफ्रीका में केनिया पड़ता है ना। और ये रहा अक्षय कुमार, हाय बोल दो यार। और ये जो है इसको टीच कर रहा है कि मतलब इसको है इंडियन साउथ अफ्रीका वाले को इंडियन केरला स्टाइल का वो चिकन बनाने का स्टाइल सिखा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसको सिखा रहा है कैसे बनाना है। और ये यूपी वाला है और ये भी रोटी बिहारी है, मतलब समझ लो यूपी बिहार जो रोटी फेमस होता है वहाँ पे। अब भाई मैं नेपाली हूँ, मैं क्यों कहूँगा। अब ये लोग कर, फिलहाल मेरा छोटा चिकन है और किचन छोटा है लेकिन फिलहाल गंदा बंदा है, चलेगा। अब हम जो लोग ज़्यादा बंदे रहते हैं इसलिए भाई छुट्टी नहीं है, क्या नहीं है भाई, कैसे आप करें? अरे आपको जो हॉल दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग ना खाना वाना खाते हैं, ये रही दरवाजे, हमारी दरवाजे पे बंद कर देते हैं। और ये देखिए ये रहा हमारा हॉल, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, खाना वाना रखते हैं। और सऊदी अरब में पानी खरीद के पीना पड़ता है। और मैं आपको ये कपड़े उपड़े टांगते हैं और एक लोंडा लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, उसका भाई शक्ल है ये। और ये रही बाथरूम, भोंसड़ी के किसी ने खुला ही छोड़ दिया है हकमूद के। और ये रहा मिरर, यहाँ पे ब्रश व्रश कर सकते हैं। ये रहा हमारा रूम, क्या करें यार, हम लोग एडजस्टमेंट करते रह जाते हैं, ऊपर भी बंदा सोते हैं, नीचे भी सोते हैं, यहाँ पे सोते हैं। और ये रहा एक आदमी ना ऊपर नीचे करके से, यहाँ पे मैं सोता हूँ और वो कपड़ा वपड़ा हैंगर रखा हूँ। और ये मेरी, ये रहा मेरा चार्ज करने का बोर्ड्स, यहाँ पे मैं मोबाइल वोबाइल चार्ज करता हूँ। और लूडो में हमेशा फेमस आदमी है, ये ऑनलाइन लूडो खेलता रहता है, अभी भी लाइव में है। तो हमारा ऐसे ज़िंदगी है भाई सऊदी में, ऐसे ही हम लोग रहते हैं, मैनेजमेंट करना पड़ता है, थोड़ा बस एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अभी ये देखो ये अभी अभिषेक चौधरी नेपाली है और ये अभी आ गया, दही खरीदने गया था खुद के लिए भी ब्रांड ब्रांड। अभी हाय बोलो तो बोल दो, कैसे रहते हैं हम लोग यहाँ पे, राजा की तरह। और ये रहा यूपी वाले जो है ना अभी रोटी सेक लिया है और इसका चिकन मैं दिखाता हूँ, यूपी का चिकन ऐसा बनता है, यूपी वाले का चिकन है, बस चिकन डालो नमक डालो बस उबाल के खा लो, उबाल के खा लो। नहीं हमें लगता है कि शायद इसमें मसाले डालने भूल गए हैं सारी भाई, बटर मसाले डालना भूल गए थे क्या। और ये रहा नया चिकन बनाने वाला मास्टर, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। और इसको टीच कर रहा है, इसको दिखा रहा है, दिखा कितना अच्छा माल बना रहा है, वाह क्या बात है, साउथ इंडिया स्टाइल में बना रहा है। अभी बन जाएगा, इसके बाद देखेंगे कितना अच्छा माल बनाता है। दोस्तों हम इस रूम में हम लोग इतने 8-10 बंदे रहते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है, मैं ये नहीं चाहता, आप लोग सोचते होंगे कि इतना छोटा रूम में 1-10 बंदे क्यों रहते हैं। दरअसल बात क्या है कि यहाँ की सऊदी अरब में जो ये रूम्स है ना, ज़्यादातर रियाद में जो मेन सिटी है, यहाँ पे रूम का बहुत रेंट है, बहुत पैसा लगता है रूम का। 1 महीने की तकरीबन कितना लग जाता है सारी बाकी 1 महीने का है? 300 एक बंदा का, तो मिला जुला के 6 महीने का रेंट लेना पड़ता था। आप सोचिए लगे गुना भाग कर लीजिए तो मतलब 10 बंदे में तो हो गया ना 18-20 हज़ार रियाल तो लगने जाएगा, तो इसलिए हम लोग एडजस्ट करके इसी छोटे रूम में रह देते हैं। और ये देख सकते 23,000 साल का। और ये साउथ अफ्रीकन वाले ज्यादा बोल रहा है भोसड़ी का, क्या बोला फिर से बोल, क्या बोला तुम्हारा दाल आज पकेगा? पिछली बार तुमने 3 घंटे चढ़ाए थे दाल 3 घंटे, अभी नहीं चढ़ नहीं पका था तुम्हारा दाल, क्या पेट्रोल डाला था उसमें?
दोस्तों ये लोंडा जो है मेरी मजाक उड़ा रहा है, आज मैं मूंग का दाल बना रहा हूँ। पिछले बार मैंने दोस्तों इसने दाल बनाया था, ठीक है, 3 घंटा नहीं पका था भाई, 3 घंटा। बोला क्या प्लास्टिक का है या फाइबर का है दाल, मैं सोच रहा था। तो आज जो आज जो मैंने क्या डाला इसमें, ये क्या है, हाँ क्या है, लंबा लड्डू, लड्डू पता है, लड्डू, अरे बोलो क्या है, वो बटर, बटर पता है, अच्छा अलमराए का बटर। आपका खाना हो गया भाई साहब, क्या क्या खा गया खाने में, दाल दही रोटी रोस्टेड। अरे वाह क्या बात है, जम गए आज हम लोग को, जो है ना लोग हमारे उधर एशिया में क्या है, ये लोग बहुत घटिया लोग हैं यार, मेरे को तो इधर डाइन में गिनती दे दिया, मैं कोई डाइन वाइन नहीं, मेरे हाथ में इधर जादू नहीं कि किसी को खाने देखूं और नजर लग जाए, ये लोग क्या सोच लगाते हैं यार, ये लोग क्या सोचता है कि मनोज जम्मू को खाने में देखता है तो वहाँ पे नजर लग जाता है, हम लोग ऐसा सोचते नहीं, ऐसा असलियत है। अब बताइए ये इन लोग जो खाएगा हम जाके वहाँ पे देख लेंगे, इन लोगों को पेट में दर्द करेगा। अरे टट्टी आ जाती भैया आदमी सुबह। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग जो है ना, आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, अपना सही राय सुझाव दीजिएगा, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा लगे मेरा ब्लॉग वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, कम से कम तसल्ली मिलती है कि अगले एपिसोड में आएंगे, वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराएंगे, और नेपाल जाके कैसे मजेदार वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे। इसका तुम वीडियो देख लोगे फिर भी इसका डाल नहीं बनेगा, ठीक है, वो ये मेरे दाल के पीछे पड़ा है, कोई बात नहीं, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कुछ नहीं जाता है, एक बटन दबाने से प्लीज, इसको बोलना सेविंग करने की। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बटन आप दबाएंगे कुछ नहीं जाएगा आपको, कुछ नहीं जाएगा लेकिन इधर बहुत कुछ आएगा, सोच समझ के आप सब्सक्राइब करिएगा, एक उम्मीद है यार, छोटा सा प्रयास दबाने से किसी की जिंदगी पलट सकती है, ये अभी यहाँ सिग्नेचर में काम कर रहे हैं, कल को हम राजा आदमी जिंदगी बिताएंगे, छोड़ दो ये सब वीडियो बनाना, छोड़ दो आयरन कर लो, कल मुदीर लोग आ रहे हैं। वैसे भी कल मेरे वो दमाम से बहुत बड़ा मुदीर आ रहा है मेरे सिग्नेचर में, वो देखने के लिए हमारा दुकान कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, इसलिए अब ये वो मुदीर था जो भी बोला ना, वो किधर गया, वो मुदीर है हमारा, बड़ा मुदीर है शॉप का फिलहाल, लोकल गाइडलाइन का, और बड़ा मुदीर उससे बहुत बड़ा मुदीर आ रहा है, तो बोला कि थोड़ा बाल वाल कटा लेना दाढ़ी वाड़ी, तो चले चलते हैं दाढ़ी वाड़ी काट के फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई लव यू ब्रदर्स, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप ब्लॉग्स कैसे बनाएंगे यूट्यूब में, मैं कहना ये चाहता हूँ यूट्यूब में तो ब्लॉग्स बनाने के कई तरीके होते हैं, आप कहाँ पे है किस जगह पे है उस जगह को ना कोई अच्छा अच्छा ना टॉपिक चुनिए ना, आप अगर आप नेपाल में है, आप इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, कहीं भी है, अपना गाँव में है, अपना शहर में है, जहाँ भी हो वहाँ की खूबसूरती दिखाओ, खूबसूरती दिखाओ, गाँव में हो तो गाँव का गलिये दिखाओ, जमीन दिखाओ, पेड़ पौधा दिखाओ, वहाँ की रहन सहन दिखाओ, गांव देहात दिखाओ, उस सब में उसका एक्सप्लेन करो बोल के, हरियाली दिखाओ, जो आपको मर्जी लगे दिल खोल के दिखाओ, कि ब्लॉग उसको बोला जाता है कि शर्मा के, देखो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो शर्माने की कोई बात नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, झंडू बम नहीं फर्क पड़ने वाला है, आप अपना धुन में अपना वीडियो बनाइए और लोगों को दिखाइए, इंटरटेनमेंट करिए, आपका ब्लॉग जरूर वायरल होगा, ये मेरा भाई का वादा है, और आपको अच्छा लगे ये मेरा स्पीच तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपके साथ भाई भी आगे बढ़ना चाहता है, लव यू। दिस वन फायर, देन यू टेक दिस वन सेम लाइक दिस, दिस वन स्टील और एल्यूमिनियम, we put this one inside and we put ghee ko kya bolte hain, ghee you know ghee ghee ko ghee bolta hai english mein, ghee english mein kya bolte hain, ghee bolte hain english mein, ghee aaya ha ghee part of milk, part of milk ghee, I use the for khamus, you see this is a ghee, this is a class, ask him bhai, oh he disturbing bhai, this is a class, check soup,